भारतीय जनता पार्टी के संस्कार मेरे रक्त के बूंद बूंद में समाये हुए और इसलिए मैं मेरी इच्छा है कि जीवन और भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपटे रह जाए। कल्याण सिंह का संपूर्ण जीवन समाज, संगठन और सियासत को समर्पित रहा। सियासत राम मनोहर लोहिया के विचारों से शुरू की और दीनदयाल उपाध्याय पर आकर खत्म की। 1977 में मुलायम के साथ पहली बार मंत्री बने, लेकिन आगे चलकर सियासी प्रतिद्वंद्वी बन गए। पेशे से प्राइमरी मास्टर थे, लेकिन अपने दम पर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता संभाली तो नकलचियों की अकल ठिकाने लगा दी, कानून को जेब में रखने वाले माफिया और गुंडों पर नकेल डाल दी। राम मंदिर आंदोलन में विवादित ढांचा गिरा तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। घर के अंदर मतभेद हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी को चुनौती दे डाली। पार्टी से निकाले गए तो बाल ठाकरे से हाथ मिलाने मुंबई पहुंच गए। वहीं नरेंद्र मोदी से उनकी पर्सनल केमिस्ट्री गजब की रही। कल्याण सिंह अपने पीछे उस विरासत को छोड़कर गए हैं जिसमें बीजेपी के कल्याण का पूरा इतिहास दर्ज है। 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कराई और तब कल्याण सिंह ने तमाम बीजेपी के सीनियर नेताओं को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली। क्या है ये पूरा किस्सा, मैं आपको बताऊंगा। मंडल का दौर, बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली थी जिसका संचालन नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तो वही उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह घर घर जन जागृति अभियान चला रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि कल्याण सिंह के मुरीद बन गए नरेंद्र मोदी, ये कहानी मैं आपको बताऊंगी। मुझको याद है जब कल्याण सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अटल बिहारी वाजपेयी पर सीधा हमला बोला। बीजेपी के अनुशासित सिपाही कल्याण सिंह की बगावत उस वक्त देश की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये मैं आपको बताऊंगा। नीति सिद्धांत आदर्शों के साथ मैंने कभी समझौता नहीं किया। मान सम्मान स्वाभिमान की कीमत पर कभी कोई पद नहीं चाहूंगा। चंदन साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा। कल्याण सिंह अपने दिमाग को जानता है। कल्याण सिंह जब बोलता है तब दिमाग के साथ बोलता है, दिमागी संतुलन के साथ बोलता है। कल्याण सिंह की शख्सियत में यही पहलू आकर्षण का हमेशा केंद्र बना रहा, तो खुद जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटते थे। चाहे अयोध्या में गोली नहीं चलवाने का निर्णय हो या फिर चुनाव में मिली करारी शिकस्त, कल्याण सिंह की नीति और नियत एकदम स्पष्ट रही। वो न केवल एक योगी मुख्यमंत्री रहे बल्कि जमीनी स्तर से उठे हैं। अलीगढ़ जिले के एक मामूली से स्कूल में मास्टर थे, अध्यापक थे, आरएसएस में शामिल हुए, भारतीय जनसंघ के नेता बने, भारतीय जनता पार्टी में आए और शीर्ष मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। बात उन दिनों की है जब राम मंदिर आंदोलन को बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर हवा देनी शुरू की। उत्तर प्रदेश में सबकी नजरें कल्याण सिंह पर आकर टिक गईं, क्योंकि लोध जाति से आने वाले कल्याण फायर ब्रांड नेता थे। उनके भाषण किसी चुंबक की तरह लोगों को अपनी ओर खींच रहे थे, यानी बीजेपी को अपनी विचारधारा के विस्तार का उपयुक्त चेहरा मिला जिसमें पिछड़ी और अगड़ी जाति को एक मंच पर जोड़े रखने की काबिलियत थी। बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में गोविंदाचार्य सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति के सूत्रधार थे, लिहाजा कल्याण सिंह जैसे नेता मुख्य धारा में अपना स्थान बनाने में कामयाब हो गए। प्रदेश में पिछड़ी जाति में करीब 4% लोध जाति के सर्वमान नेता सिर्फ और सिर्फ कल्याण सिंह थे। फायर ब्रांड नेता कल्याण सिंह को आगे करके बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा सियासी प्रयोग किया।
होली दिवाली दशहरे का नहीं, रक्षाबंधन का नहीं, मतदान का त्यौहार, लोकतंत्र का त्यौहार, गुंडा राज का खत्म करने का त्यौहार, अमन चैन का राज शुरू हो चुका है उसका त्यौहार, अपनी तकदीर बनाने का त्यौहार। राम मंदिर आंदोलन की धुरी पर हिंदुत्ववादी गोलबंदी के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर अटल आडवाणी और मुरली मनोहर चेहरा थे, तो उत्तर प्रदेश में कमान कल्याण सिंह ने अपने हाथों में थाम रखी थी। मैं तो राम के मंदिर की खातिर एक दिन की क्या कोई सी भी बड़ी से बड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार, क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से सीधा सीधा जुड़ा हुआ सवाल है और ये कमिटमेंट हमारा देश के करोड़ों जनता के सामने किया है। आज कोई भी इस कमिटमेंट से अपने को पीछे करेगा, जनता माफ नहीं करेगी, चाहे कोई कितने बड़ा क्यों सही। मैं इस कमिटमेंट से पीछे नहीं हट सकता और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। साल 1989 का आम चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा था, उनके नारों में इसकी झलक भी थी। उस दौरान कल्याण सिंह कल्याण करो मंदिर का निर्माण करो जैसे नारों ने बीजेपी का माहौल बना दिया। 1989 में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इसी मुद्दे पर 1991 में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई। कल्याण सिंह को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, परंपरागत तौर पर सवर्ण जातियों में अपना प्रभाव रखने वाली बीजेपी का विस्तार गैर यादव पिछड़ी जातियों में हो गया, और खासकर इसलिए क्योंकि कल्याण सिंह का प्रभाव लोध जाति के अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों पर भी काफी व्यापक था। 1989 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जल्द कुर्सी चली गई। कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी को 1991 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिल गया। मंदिर आंदोलन के साथ उठी जबरदस्त भगवा लहर पर सवार होकर बीजेपी ने 425 सीटों में से 221 सीटें जीत ली। मुलायम के खिलाफ कल्याण सिंह के तौर पर बीजेपी का ओबीसी कार्ड नहले पर दहला साबित हुआ। इसे महज इत्तफाक कहें या फिर कुछ और, 1977 में कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव एक ही सरकार में दोनों मंत्री रहे, लेकिन दोनों अलग अलग विचारधाराओं के प्रतीक बनकर उभरे। 1989 में मुलायम सिंह यादव मंडल की राजनीति के प्रतीक बनकर उभरे, तो दो साल बाद जबरदस्त तरीके से कल्याण सिंह, जो कि खुद पिछड़ी जाति से थे, वो कमंडल के सबसे बड़े प्रतीक बनकर सामने आए। कल्याण ने राम मंदिर आंदोलन में पिछड़ों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। विवादित ढांचा गिरने के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और खुद को जिम्मेदार ठहराया। एक लाइन के इस्तीफे में लिखा था, दोषी तो उन्होंने ये कह करके अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय से अपनी बात को कहीं न कहीं डाइल्यूट किया है। किस तरह? इस तरह से पहले नंबर पर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वहां पर की भीड़ को हटाना बलपूर्वक कठिन था, संभव नहीं था, तो ये उन्होंने मान लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। विवादित ढांचा गिराए जाने के केस में कल्याण सिंह पर मुकदमा चला।
कोर्ट कचहरी में 28 सालों तक चले केस का निर्णय कल्याण सिंह के पक्ष में आया था। कल्याण समेत 32 नेताओं को सीबीआई की विशेष अदालत ने 2020 में निर्दोष करार दिया। हालांकि राम मंदिर आंदोलन से ही कल्याण सिंह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का चमत्कारी उदय हुआ था। निर्णय करने के लिए जाने जाते थे, लोकप्रिय थे, ऐसे आदरणीय कल्याण सिंह जी हम छोड़ के चले गए हैं। एक युग का अंत हुआ है। उस पीढ़ी में जिन वरिष्ठ नेताओं के नाम आते थे उनमें से कल्याण सिंह जी का नाम था। लंबे समय तक वो लड़ाई भी लड़ते रहे, अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था।